Hey, what's up? क्या हाल चाल? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए। वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी। जेबीपीयूटी के सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न, इसके साथ साथ पेड सीट की डिटेल को लेकर। तो आज की वीडियो में हम लोग एक एक पॉइंट पे बात करने वाले हैं। जैसा कि पिछले दो वीडियो में मैंने आप सभी को हर एक चीज एक्सप्लेन कर दिया था कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आने वाले हैं, एग्जाम कब होगा, ये एक जो टेंटेटिव डेट थी मैंने आपको ऑफिशियली बता दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने मेंशन कर रखा है, आप जाकर वहां से उसे देख लो। आज हम लोग जानने वाले डिटेल से कि सिलेबस क्या होने वाला है, प्लस आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है क्योंकि पीवाईक्यू मिलते नहीं है, साथ ही साथ एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होने वाला, यूजी पीजी पीएचडी का कौन से बुक्स आपको फॉलो करने हैं, और इसके अलावा कौन कौन सा कोर्स ऑफर किया जा रहा है, प्लस पेड सीट, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं अदर स्टेट के। जैसा कि मैं आपको पहले से बता रखा हूं कि पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में आप यूजी पीजी कोर्सेज में अगर अदर स्टेट के हो तो डायरेक्टली पेड सीट के लिए एंट्रेंस एग्जाम देकर एडमिशन ले सकते हो। ठीक, चलो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स भी देख लेंगे कि कब हमारा एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है कब लॉन्च होने वाला है। भाई एक और चीज, अगर आपको पीवाईक्यू की नीड है तो कुछ सैंपल्स हमारे एप्लीकेशन पे हैं, कुछ सैंपल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जाकर वहां पे देख सकते हो। सिलेबस मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, लेकिन जो सिलेबस का पीडीएफ है वो आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना एप्लीकेशन का लिंक मेंशन कर रखा है, इफ यू नीड देन यू कैन इंस्टॉल एंड यू कैन डाउनलोड दैट, आप प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलेगी। चलो ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो का। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि पंतनगर इंडिया का फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, जो कि 1960 में ऑन द टाइम ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एस्टेब्लिश हुआ था, और इसने आज तक ना जाने कितने टॉप एलुमनाई दिए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के, जो कि इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ही बिग लेवल पर वर्क कर रहे हैं फॉर एग्री सेक्टर। सो ये बहुत ही प्राउड की बात होगी कि आप अगर यहाँ पर एडमिशन पाते हो। हालांकि मैं अगर अपना पर्सनल बताऊँ तो मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं यहाँ पर एडमिशन लूँ, बट ड्यू टू अदर स्टेट कैंडिडेट्स मैं यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाया। वो बात अलग थी कि मैंने आज सर एग्जामिनेशन में इसको मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन जो पर्सनल एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि पहले क्या था कि पहले अदर स्टेट के बच्चे पंतनगर के एंट्रेंस एग्जाम को नहीं दे सकते थे, लेकिन पिछले दो सालों से ऐसा नहीं है। पिछले दो सालों से इस चीज़ को चेंज कर दिया गया है, पंतनगर के साथ उत्तराखंड के साथ साथ अदर स्टेट के बच्चे भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ये रूल अब आ गया है। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लो तो ऑनलाइन फॉर्म आपका थर्ड वीक ऑफ मार्च, मैं पहले बता रखा हूँ कि आफ्टर 20th मार्च आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे। लास्ट डेट आपका फिलिंग कब होगा, अप्रैल, पूरे अप्रैल महीना आपके पास रहेगा फॉर्म फिलअप करने का। आप लेट फीस के साथ भी अप्रैल के लास्ट वीक तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अगर टेंटेटिव डेट बताऊं तो 15 जून और 16 जून यूजी पीजी के लिए आपका शेड्यूल्ड है। ये टेंटेटिव डेट है जो कि ऑफिशियली मैं आपको पहले बता रखा हूं, 5 या 15, इन दोनों डेट में से एक डेट फिक्स है, या तो 5 जून को या तो 15 जून को, इन दोनों में से एक डेट फिक्स है। ठीक है, इस दिन आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन पूरे उत्तराखंड में अलग अलग सेंटर पे कराया जाएगा। एप्लीकेशन फी आपको 1200 रुपए जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए 600 रुपए देने पड़ते हैं। जब फॉर्म रिलीज किया जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। आप फॉर्म में कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका फोटो सिग्नेचर ये लेकर बैठो लैपटॉप पे फोन में, और 1200 रुपये अपने एप्लीकेशन फॉर्म की फी लेके आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसे देख लो, इसी डेट के अकॉर्डिंग आपका पूरा शेड्यूल चलने वाला है। चलो बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम इस पॉइंट पर बात क्यों करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पे उत्तराखंड डोमिसाइल के बच्चे रेगुलर और पेड सीट दोनों के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे हैं ये केवल पेड सीट के लिए एलिजिबल हैं। सेकेंडरी कि आप 10+2 पास आउट होना चाहिए 15% मार्क्स के साथ। अगर आप क्लास 12th पास हो, आपके क्लास 12th में मेजर जो आपका 3 सब्जेक्ट है पीसीबी पीसीएम, इन तीनों में से कोई भी, आपके 15% मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और 47.5 फॉर ओबीसी। पीजी की बात करें जो मास्टर प्रोग्राम्स हैं तो उसमें आपका यूजी कंप्लीट होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 60% लेस मार्क्स, 60% के साथ। अगर आपका यूजी में 60% से कम स्कोर है तो आप एग्रीकल्चर के जो मेजर कोर्स है उसमें एलिजिबल नहीं हो, बाकी दूसरे कोर्स में एलिजिबल हो सकते हो। पीएचडी प्रोग्राम्स का भी यही सीन है, पीजी आप पास आउट होना चाहिए, कम से कम 6 GPA स्कोर आपका रहना चाहिए, यूजी में भी आपका 6 GPA स्कोर रहना चाहिए, तभी आप पीजी कोर्सेज के लिए अकॉर्डिंग टू मेजर एग्रीकल्चरल कोर्स आप यहाँ पे एलिजिबल हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि एग्री अपडेट्स आप सभी को हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट देगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा इन फ्यूचर। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं। बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत सारे कोर्स हैं, लेकिन हम लोग अगर बात करें स्पेशली यूजी कोर्सेज के बारे में तो वेटनरी साइंस का कोर्स है,
बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है, फिशरीज का कोर्स है, कम्युनिटी साइंस है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें से इन सारे कोर्सेस में जो हमने ऊपर ये मेंशन कर रखा है, इसमें सारे कोर्सेस में एडमिशन आपको यूजी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे कि आपको पता होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होते हैं उसके थ्रू ही इन सारे कोर्सेस में एडमिशन मिलेंगे। बाकी बीटेक एग्रीकल्चर इन सब में आपको कहाँ से एडमिशन मिलेगा, इन सब में आपको जेई मेंस के थ्रू, जैसे आपका पता होगा कि जो उत्तराखंड का अपना यूट्यूब की काउंसलिंग होती है उसके थ्रू इन सारे कोर्स में जेई मेंस के स्कोर पे एडमिशन आपको मिल जाएगा। पीजी की बात करें तो यहाँ पे एमसीए का कोर्स चलता है, एमबीए कोर्स चलता है, जिसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो अलग है। एमबीए आपका कैट सीमेट स्कोर लेता है, एमसीए की एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराई जाती है, प्लस लाइफ साइंसेस के कोर्स हैं। इसके अलावा 11 मेजर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, जिसमें एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट, सॉयल साइंस, एंटोमोलॉजी, इकोनॉमिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सारे कोर्स अवेलेबल हैं। 3 आपका मेजर फिशरीज का कोर्स है पीजी में, 4 आपके मेजर लाइफ साइंस के कोर्स हैं, 18 मेजर आपके वेटनरी सब्जेक्ट के कोर्स है, 15 आपके इंजीनियरिंग है, 2 मैनेजमेंट है जिसमें एमबीए और एबीएम भी इंक्लूड है, 12 आपके मेजर साइंस कोर्स जिसमें आपका एमएससी बॉटनी, एमएससी बायोलॉजी, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स, इन सारे इंक्लूड मेजर साइंस में किया गया है। ठीक है, ये हमारा अवेलेबल कोर्स है। आगे हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न, काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले जैसे बच्चों ये समझो कि आपके टोटल 200 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन 600 मार्क्स के। वो अलग बात है कि आफ्टर एग्जाम आपको मार्क्स बताने जाते हैं, आपको डायरेक्टली रैंक बताई जाती है। 200 क्वेश्चन का पेपर होगा, यूजी की बात कर रहा हूँ फिलहाल, मैं पीजी की बात करूंगा अभी, टेंशन मत लो, मैं पेड सीट एक एक पॉइंट पे बात करूंगा, अभी यूजी की बात कर लेते हैं, आफ्टर देन हम लोग पीजी की बात करेंगे। यूजी कोर्स में टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं, 600 मार्क्स के रहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जैसा सीयूटी में केवल क्लास 12 का सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, हमारे जेबीपीयूटी में ऐसा नहीं है। क्लास 11 प्लस क्लास 12 इन दोनों सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वहां से क्वेश्चन आपसे इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, जिसमें 50 आपका फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री, 50 फिजिक्स, प्लस 30 आपका एप्टीट्यूड। ये एक डिफरेंट है, इसमें पास होना जरूरी है, मतलब कि ये पासिंग स्कोर है। जैसे कि आपको पता चला कि 200 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें 50-50 क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री सबके लिए कंपलसरी हैं, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से रहो, या चाहे मैथ्स से रहो, चाहे बायो से रहो, चाहे एग्रीकल्चर से रहो, 50-50 फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन आपके फिक्स हैं, आपसे पूछे जाएंगे, प्लस 30 क्वेश्चन आपका एप्टीट्यूड का, यानी कि ये 130 क्वेश्चन हर एक बच्चों का फिक्स है। आप किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से रहो, फिजिक्स केमिस्ट्री रीजनिंग का क्वेश्चन आपका टोटल 130 क्वेश्चन फिक्स है। बाकी बचा 70 क्वेश्चन आपका कोर सब्जेक्ट, चाहे आप अगर मैथमेटिक्स है आपका 12th में तो 70 आपके मैथमेटिक्स आएंगे, अगर आपका बायोलॉजी है तो 70 आपके बायोलॉजी से आएंगे, अगर आपका एग्रीकल्चर है 12th में तो 70 आपके एग्रीकल्चर से आएंगे, टोटल बनते हैं 200 क्वेश्चन हमारा होता है 600 मार्क्स का। इस क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स, दीज 3 ऑल ग्रुप्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 रहेगा, 3 नंबर का रहेगा क्वेश्चन, तो टोटल 200 क्वेश्चन 600 मार्क्स है। यहाँ पे एक मार्क्स आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, इनकेस अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो तो आपको एक नेगेटिव मार्किंग भी दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना क्वेश्चन आए उतना ही कीजिए, बाकी जो नहीं आ रहा है आप उसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए, तुक्का मारना है तुक्का मारिए, लेकिन जो पहले आ रहा है सही से उसे कीजिए। अगर पहले तुक्का मारना स्टार्ट करोगे तो नेगेटिव स्कोर में चले जाएगा, रैंक बहुत ज्यादा आ जाएगी, काउंसलिंग बैठ नहीं पाओगे, एडमिशन हो नहीं पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन रहेगा, 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है। चलो बात कर लेते हैं पीजी के बारे में। पीजी में भी बच्चों टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 150 क्वेश्चन आपके होते हैं। देखो पीजी में 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन होते हैं 600 मार्क्स के। यहां भी हर एक क्वेश्चन के 3 नंबर्स मिलते हैं, एक नेगेटिव मार्किंग रहती है। इफ यू अटेम्प्ट एनी रॉन्ग क्वेश्चंस, इफ यू अटेम्प्ट एनी रॉन्ग क्वेश्चंस, रॉन्ग अटेम्प्ट, देन आप नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगा, यानी कि 1 नंबर का। 2 सेक्शन रहता है, पहले सेक्शन में 50 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं, दूसरा सेक्शन 150 क्वेश्चन कंप्लीट जनरल एग्रीकल्चर रहता है। जनरल एग्रीकल्चर में आपके इकोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, आपके जो भी सॉयल साइंस एक्सटेंशन है, इकोनॉमिक्स है, या फिर आपका स्टैटिक्स है, या फिर आपका प्लांट फिजियोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, आपके पैथोलॉजी है, आपका सीड साइंस है, सीड टेक है, सारे के 10-10, 12-12 क्वेश्चन इंक्लूड रहते हैं इस 150 क्वेश्चन में, जो कि आप यूजी से कंप्लीट कर सकते हो। प्रिपरेशन कैसे करनी है पीजी की, आप यूजी के नेमरा सुंडा, कात्यायन, मनदीप सिंह राठौर या बहुत सारी ऐसे बुक्स आती हैं जिसको क्या फॉलो करके इसको कंप्लीट कर सकते हो। 200 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन रीजनिंग का, 150 क्वेश्चन जनरल एग्रीकल्चर का, फॉर पीजी कोर्सेस। मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन, 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ये हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न रहा, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा।
चलो पेड सीट की बात कर लेते, पेड सीट क्या होता है? देखो किसी भी कॉलेज में मैक्सिमम दो जगह की सीटें, दो टाइप की सीट होती है, एक होती है रेगुलर सीट, दूसरी होती है हमारी पेड सीट। तो पेड सीट का क्या सीन है बच्चों, कि जो सीट सेल्फ फाइनेंस होती है उसको कॉलेज एज अ पेड सीट ऑफर करता है, जिसमें कि आपको कुछ एक्स्ट्रा फी पे करके उस सीट पे एडमिशन लेना होता है। मान लो आपका स्कोर थोड़ा सा कम है, जैसे किसी भी कॉलेज में कोई सीट है उसका कट ऑफ 100 नंबर है, तो आपका 98 है, तो आपके दो नंबर ही कम है, बट आपको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो दो नंबर कम को एज अ पेड सीट ऑफर करके आपसे कुछ पैसा एक्स्ट्रा लेके सेल्फ फाइनेंस के सीट पे आपको सीट दे दी जाती है, उसको बोलते हैं पेड सीट। स्पेशली ये अदर स्टेट के बच्चों के लिए, लेकिन पेड सीट पे उत्तराखंड के बच्चे एलिजिबल हैं। जीवी पंत का जो पेड सीट है, बेसिकली दोज कैंडिडेट हु मार्क्स स्कोर ऑन द एंट्रेंस टेस्ट और स्लाइटली लेसर देन द कट ऑफ, द प्रोसेस ऑफ एडमिशन फॉर बोथ रेगुलर एंड पेड सीट इज द सेम। दोनों प्रोसेस एडमिशन का सेम है। आपको बता दूं कि पेड सीट पे कुछ एक्स्ट्रा फी देना पड़ता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बीएससी अगर वेटनरी साइंस में आपको लेना है एडमिशन, तो जो एडमिशन का फी है उसके अलावा 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में अगर आपको एडमिशन लेना है तो पेड नॉर्मल फीस के अलावा 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा। कम्युनिटी साइंस फिशरीज में आपको एडमिशन लेना है या बायोटेक में एडमिशन लेना है, जो फीस है उसके अलावा 50,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा। या ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है पेड सीट का, आप लोग देख लो, इसी के अकॉर्डिंग आपको फी पे करना है। ये पीडीएफ आपको मैं अपने एप्लीकेशन पे अपने ऐप पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख लेना। ऐप पे ही आपका सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा, कंप्लीट जो सिलेबस है उसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पे है। आपका 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? तो किसी बच्चे को अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? फॉर यूजी यू कैन बैकअप योर स्टडीज विद द एनसीईआरटी बुक ऑफ 11th एंड 12th क्लास, एंड फॉर पीजी रीड ऑल जनरल एग्रीकल्चर बुक्स इंक्लूडिंग एनआर सुंडा, नेम रासुंडा, अरुण कात्यायन, या फिर हमारा एसआर रेड्डी, एसआर कांतवा, जिसको भी आप फॉलो करना चाहो कर सकते हो। इसके अलावा रीजनिंग के लिए आप आर एस अग्रवाल की बुक को फॉलो कर सकते हो, ठीक है? PYQ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहाँ पे इंस्टा मोजो हमारा है, वहाँ पे आपको PYQ मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के यूजी के लिए। बाकी अगर किसी बच्चे कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सिलेबस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस करने वाला है, तो सिलेबस की PDF मैं अपने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया हूँ, अगर किसी बच्चे को नीड है तो वो देख सकता है। बाकी इसके अलावा जब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा ना, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में भी हमारे सिलेबस रहते हैं, तो इस बात को ध्यान से समझो कि एप्लीकेशन फॉर्म में भी हमारे सिलेबस मेंशन रहते हैं, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं चाहूँ तो एक बार आपको सिलेबस शायद मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप लोग देख लो, ठीक है बच्चों? आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर अभी किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है? मैं वहाँ पे आप सभी को पूरा जो प्रोसेस है फाइनल बता दूंगा। चलो मैं एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ आपको, ये हमारा सिलेबस ऑफिशियल है, और जिसमें 11th आप देखो यार, ऐसा मत करना कि केवल CUT के जैसे फॉलो करो, ठीक है? CUT के साथ साथ आप यहाँ पे जो क्लास 11th की चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं उसकी भी आप प्रिपरेशन करो, ठीक है? क्योंकि सिलेबस में आपका दोनों चीज़ इंक्लूड रहेगा, 11th और 12th दोनों की चीज़ें इंक्लूड हैं। तो ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस है, देख लो, सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ यूजी प्रोग्राम्स, मेंटल एजिलिटी का, मेंटल एबिलिटी जो 30 क्वेश्चन आते हैं, इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है, लेकिन आप ये समझो कि इसकी भी PDF मैं अपने एप्लीकेशन पे दे रखा हूँ, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, ठीक है? मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस है, तो उसमें टॉपिक एक एक यूनिट वाइज आपको टॉपिक मेंशन है, आप प्रिपरेशन करो, इसको अच्छे से तैयारी करो। फिजिक्स का 11, 12 दोनों का टॉपिक है, ठीक है? बायोलॉजी का, बॉटनी और जियोलॉजी दोनों का टॉपिक है, केमिस्ट्री के दोनों टॉपिक्स है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तीनों टॉपिक इसमें कंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा हमारे PG का भी और एग्रीकल्चर का भी सिलेबस इसमें मेंशन है, साथ ही साथ PG के भी सिलेबस इसमें मेंशन है। और जिस बच्चों को नीड हो सिलेबस की PDF की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एप्लीकेशन का, वहाँ से जाकर सिलेबस को डाउनलोड कर सकता है हमारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, मेक श्योर कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिएगा। बाकी जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, डेट मैंने आपको बता रखा है कब आएगा एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन कब होंगे, पूरा डेट आपको क्लियर है। इफ हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एक्सेप्ट दिस, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। जय हिंद, मिलता हूँ आप सबसे नए अपडेट के साथ, ऑल द